Hi guys, welcome back to my channel, Style of Barry and Shu Vlog. So guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैट लिपस्टिक जो होती है लिक्विड फॉर्म में, वो आप किस तरह से अपने लिप पर अप्लाई करें जिससे वो काफ़ी फिनिशिंग दिखाई दे आपके लिप्स पर लगाने के बाद। एंड काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो लिप होते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद वो जो फिनिशिंग लुक आता है वो नहीं आता है, तो वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। एंड गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, अपने लिप्स को स्मूथ करना है, क्योंकि जो भी लिप्स में जो भी पिगमेंटेशन होगी या फिर लिप्स आपके थोड़े से भी फटे होंगे या क्रैकी होंगे तो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और कलर भी आपका सेम नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लिप्स को थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ेगा। तो हम वो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। आप कोई भी, आपके पास कोई भी लिप बाम हो तो आप उसको अपने लिप्स पर लगा लीजिए, और आपको ये लिप बाम थोड़ी सी ज़्यादा लगानी है। एंड उसके बाद हमें एक ब्रश ले लेना है, अपना टूथब्रश जिससे आप ब्रश करते हो, उससे आपको एक मिनट के लिए, एक से दो मिनट के लिए आप अपने होठों पे रब कीजिए इस तरह से। इस तरह से आपका ये लिप्स का स्क्रब हो जाएगा गाइस, जो भी पिगमेंटेशन वगैरह है वो सब क्लीन हो जाएगी। गाइज, आप देख सकते हैं इस प्रोसेस के बाद मेरे लिप्स काफ़ी स्मूथ हो गए हैं, मुझे टच करने से पता चल रहा है कि काफ़ी स्मूथ हो। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें लिप बाम लगानी थी, एंड सेकंड स्टेप हमें स्क्रबिंग करनी थी ब्रश के साथ, एंड थर्ड हम करेंगे अपने लिप्स पर कंसीलर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंसीलर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना, जो आपका लिप्स का कलर है वो लिपस्टिक लगाने के बाद एकदम सेम कलर आएगा। मेरे पास ये जो कंसीलर है वो स्टिक फॉर्म में है, अगर आपके पास लिक्विड है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लैक्मे का है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें इस तरह से अपने लिप पर कंसीलर अप्लाई करना है। स्टिक फॉर्म का जो कंसीलर होता है वो अप्लाई करने में काफ़ी ईजी होता है, एंड लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है गाइज़। तो अभी मैंने अपने लिप पर कंसीलर अप्लाई कर लिया है, अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। जो हमारी लिपस्टिक है ये फॉरएवर 52 है, एंड गाइज जो इसका सेड है वो SLC001 है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इस लिपस्टिक का जो कलर है गाइस वो बहुत ही प्यारा है, काफ़ी अच्छा लगता है लगने के बाद। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने लिप के अराउंड एक बॉर्डर बना लेना है इस तरह से। डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगानी है, पहले एक बॉर्डर बनाना है। एंड गाइज, आपको लिपस्टिक बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, एक बार आप डिप कीजिए और जितनी लिपस्टिक उसमें आएगी आपको उसी से अपने पूरे लिप पर अप्लाई करना है।
तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो मेरी लिपस्टिक है उसका कलर जो सेड्स है वो बिल्कुल सेम आया है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। जो ये सेड्स है वही मेरे लिप पर दिख रहा है। एंड गाइज बिल्कुल भी केकी नहीं दिख रहा है, एकदम फिनिशिंग दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप बहुत आसानी से इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप लिक्विड फॉर्म की लिपस्टिक अप्लाई करेंगे अपने लिप्स में तो आपको एक बार डिप करना है, एक बार में जितनी भी लिपस्टिक आएगी आपको उसको ही यूज़ करना है, आपको बार बार डिप नहीं करना है, बार बार निकालना नहीं है उसको। मतलब एक परत नहीं बनानी कि एक बार लगा लिया फिर दो बार लगा लिया, फिर इस तरह से नहीं करना है। उससे क्या होता है, काफ़ी केकी हो जाती है लिपस्टिक और क्रैक्स आ जाते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ जो आपके बहुत काम आ सकती है। आप डेली अपने लिप्स की केयर नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी आप ब्रश कीजिए तभी आप अपने लिप्स पर उसी ब्रश से एक मिनट के लिए मसाज कर लीजिए, तो आपके लिप्स काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। एंड आप डेली रूटीन में जब इसे करेंगे तो आपके लिप्स को कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी एंड हमेशा वो स्मूथ रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट भी किया कीजिए। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सोल्यूशन चाहिए हो या किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज अपना ख्याल रखिए, घर में सेफ रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।